Hello students, today we will discuss the chapter 13, the chapter name of symmetry. The definition of a symmetry, what is the line of symmetry? The line of symmetry is an imaginary line where you could fold a shape or image and have both halves match exactly. Means, jado apa kise shape, kise image nu, इक्वल पार्ट्स दे विच मींस जदों आपां नूं फोल्ड कर लैंदे आ तो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जांदी आ तां मींस उहनूं आपां बोलदे आ सिमेट्री। ठीक है जी, तां मींस जिवें आपां देखदे आ डायग्राम्स अपने कोले बनियां होईयां ने कि उहदीआं किन्नीआं लाइन ऑफ सिमेट्री है। अ फिगर कैन हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री, मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री और नो लाइन ऑफ सिमेट्री। मींस इक फिगर दीआं इक लाइन ऑफ सिमेट्री भी हुंदी आ, मैनी लाइन्स भी हुंदीआं ने ते नो लाइन ऑफ सिमेट्री भी हुंदी आ। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, वी कैन ड्रॉ द वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द वर्टिकली, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी, सो जो आप बटरफ्लाई द लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो मीनस ये अपने को इक्वल पार्ट्स के डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी, दिस वन, दिस इज द वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट डायग्राम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मीन्स इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, सेम एज द नैक्सट डायग्राम। हाँ जी, नैक्सट डायग्राम जो आप वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो मीनस एक साइड यदि टेल रह जाती, एक साइड नहीं होंगी, सो इट इज इम्पॉसिबल। सो दिस डायग्राम हैव अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी, नेक्स्ट आ गई अपने को, एन ऑब्जेक्ट इज एन सिमेट्रिकली वैन इट इज एग्जैक्टली द सेम ऑन बोथ साइड्स वैन यू फोल्ड इट इन हाफ। ठीक है जी, सेम मीनिंग आ, मीनस जदों किसी आप ऑब्जेक्ट नूं ओ सिमेट्रिकल हुंदा गा जदों आप बोथ साइड्स तो, ठीक है, जदों आप उन्हें फोल्ड करने ने तो बोथ साइड से सेम रह जाती है। ठीक है, जिवें तुहाडे कोले मैनी शेप्स ने, दिस वन, ठीक है जी, जदों आप इहनूं इहदी लाइन ऑफ सिमेट्री जदों हाफ पार्ट दे विच डिवाइड करदे आ तो इक्वल पार्ट्स दे विच होगी। इन दिस वे ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री, सेम ट्राइंगल दी सर्कल। ठीक है जी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो होंगी है जी जो आप फोल्ड करते हैं तो सेम पार्ट्स के डिवाइड हो जाती है, सेम लैटर्स के। फॉर एग्जाम्पल ए, हाँ जी, आप ए वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दें। ठीक है जी, दोनों पार्ट्स के डिवाइड होगी। मीनस वैन वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस वन। ठीक है जी, सो इट इज इम्पॉसिबल, तो मीनस ये इक्वल पार्ट्स के डिवाइड नहीं होंगी। सो मीनस आप ए दे विच ओनली वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। नैक्सट इज एच, हाँ जी, एच के विच आप वर्टिकली भी कर सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल, बोथ बोथ आर पॉसिबल। हाँ जी, नैक्सट इज द फर्स्ट सम लिस्ट एनी फोर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। मीन्स आप एनी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं होम और स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो, ग्रीन बोर्ड, बुक एंड ग्लास। ठीक है जी, विंडो की भी लाइन ऑफ सिमेट्री दिस वन, ग्रीन बोर्ड की भी दिस वन, बुक वर्टिकली एंड ग्लास इज ऑल्सो वर्टिकल। ठीक है जी, मीन्स अपने को ग्रीन बोर्ड से आप ओरिजोंटल भी बना सकते हैं। ठीक है जी, बोथ आर पॉसिबल। हाँ जी, नैक्सट इज सैकेंड पार्ट, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन एल वन और एल टू। ठीक है जी, गिवन अपने को फिगर जो गिवन आप चेक करनी है कि केड़ी है जेड़ी अपने को लाइन आ एल वन और एल टू केड़ी मिरर लाइन बन गई। ठीक है जी, सेम चेक करो जो आप अपने को डायग्राम बनी हुई है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री दिस वन, दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, सो एल टू इज द मिरर लाइन एज बोथ साइड्स। हाँ जी, नेक्स्ट इज द थर्ड सम, आइडेंटिफाई द गिवन शेप्स बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नो और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वी। हाँ जी, फर्स्ट अपने को लॉक, सॉरी, ठीक है जी, लॉक के विच आप चेक करते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। देखो जी, अपने को लॉक बनया हुआ, सो वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल बट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, सो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी, नेक्स्ट इज ओनली वन, नेक्स्ट के विच, हाँ जी, जो आप वर्टिकली भी ड्रॉ करते हैं जो हॉरिजॉन्टल इक्वल पार्ट्स के विच नहीं डिवाइड होंगी, सो इट इज
not possible. So no line of symmetry. And the next is 1, next is 1, next is also 1. हाँ जी, नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट. ठीक है जी, अपने को डायग्राम्स गिवन है, इदी विच अपना करनी है अगर कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करनी है. हाँ जी, सो फर्स्ट देखो, चेक करो, मीन्स अपने को थ्री लाइन्स ड्रॉ ने थे. ठीक है, तो अपने कंप्लीट डायग्राम 1, 2, 3 थ्री पार्ट, थ्री बॉक्स के विच दी क्रॉस करनी है. 1, 2, 3 सेम एज लोअर पार्ट. दिस इज द कंप्लीट डायग्राम. सो नेक्स्ट इज द बी पार्ट. हाँ जी, सेम एज ड्रॉ द सिमेट्री. 1, 2 नेक्स्ट इज थ्री लाइन्स, सॉरी टू लाइन्स. नेक्स्ट इज अगेन टू लाइन्स, टू अगेन टू, आफ्टर दैट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट. ठीक है जी, सो नेक्स्ट इज द सी पार्ट. हाँ जी, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 सो नेक्स्ट इज द ओनली 1, नेक्स्ट इज अगेन 1, नेक्स्ट इज 2, हाँ जी, नेक्स्ट इज अगेन 1, नेक्स्ट इज 2. ठीक है, तो मीन्स अपने को ले किया डायग्राम नु अपा कंप्लीट कर देना है इन दिस वे. हाँ जी, सो नेक्स्ट इज द डी पार्ट. ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, draw this line, after that joining this line. हाँ जी, same as the E part. हाँ जी, next is the fifth part. In the figure, L is the line of symmetry. Complete the diagram to make it symmetric. Means अपने को ले L line एक का symmetry दी line बनी हुई है, complete diagram करनी है ताकि ये symmetric बन जावे. हाँ जी, so this line, this अपने को ले symmetry is this one. And this line is this. So this is the line of symmetry. Dotted line is the line of symmetry. हाँ जी, next is the sixth part. In the figure, L is the line of symmetry. Draw the image to the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetric. हाँ जी, same अपने को ले इस तरीके ना बनानी है कि यदि line of symmetry, this one is the line of symmetry. हाँ जी, सेम एज पहला पर ट्राइंगल इन दिस वे बने हुए हूं आप ऑपोजिट ले लेंगे. सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ बोथ ट्राइंगल्स. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर एक्सरसाइज 13.2 द फर्स्ट पार्ट. फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. हाँ जी, पिछे अपना जस्ट अपना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कीतियां सी 13.1 एक्सरसाइज दे विच. हुन अपन फाइंड करांगे हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री. सो फर्स्ट डायग्राम, हाँ जी, 1, 2, 3, 4 ठीक है जी. सो मीन्स अपने को ले बन गई कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. सेम एज द बी पार्ट, 1, 2, 3, 4 ओनली 1 बिकॉज दिस इज द इम्पॉसिबल. हाँ जी, नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस इज अ हेक्सागन. सो हेक्सागन हैव द सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री. सो नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सो दिस इज द सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री. हाँ जी, जी पार्ट, दिस इज पॉसिबल नॉट, दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज व्हेन वी फोल्ड बोथ पार्ट्स दैट इज बोथ आर नॉट इक्वल पार्ट्स, सो इट इज इम्पॉसिबल. सो लाइन ऑफ सिमेट्री इज 0. सेम एज दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, सो दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री इज 0. नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है जी. सो आई पार्ट दे विच लाइन ऑफ सिमेट्री इज 5. हाँ जी, नेक्स्ट इज द सेकंड पार्ट. हाँ जी, ड्रॉ करनी अपन लाइन ऑफ सिमेट्री 1, 2, 3 नेक्स्ट इज 1 ठीक है जी. अपने को ले किया
फिर यदि अपने को आ गई है दिस इज द वन बिकॉज इट इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो वन, एन एस वे मीन वर्टिकली अपन लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी नेक्स्ट इज द थर्ड सम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन दिस वे, ठीक है जी। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, वन टू थ्री, सो दिस इज द थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज स्क्वायर, स्क्वायर इज वन टू थ्री फोर, फोर। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, वन टू, आइसोसेल्स, आइसोसेल्स मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, सो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज रोम्बस, मीन्स वन टू, ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, we can draw the many line of symmetry in a circle, so answer is infinite lines of symmetry। haan ji next is the fourth part, can you draw a triangle which has exactly one line of symmetry, two line of symmetry, three lines of symmetry, no lines of symmetry, theek hai ji, sketch a rough figure in each case। haan ji first apan wo diagram draw karni hai jidi only one line of symmetry ho, ठीक है जी। सो मीन्स आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, सो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी नेक्स्ट इज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हाँ जी अपन ओ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है जी दी अपने को टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है। हाँ जी थ्री वाली तो अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी, वन टू थ्री, ठीक है जी। टू वाली इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी ट्राइंगल कोई भी किसी भी ट्राइंगल बनाने आप, ठीक है जी। ओर कोई नहीं है कि जिदे ओनली अपना टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो, सो इट इज इम्पॉसिबल, नो। हाँ जी नेक्स्ट इज द डी पार्ट, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, स्केलर, ठीक है जी। आप स्केलर ले सकते हैं, स्केलर के भी अपन किसी पार्ट के, दिस इज ऑलसो इम्पॉसिबल क्योंकि हाफ दोनों का पार्ट डिवाइड करना औखा वा, दिस इज ऑलसो इम्पॉसिबल, ठीक है जी। सो डी पार्ट इज स्केलर ट्राइंगल। हाँ जी सो नेक्स्ट इज द सेवंथ पार्ट, कंसीडर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड लिस्ट अमंग देम द लेटर्स व्हिच हैव वर्टिकली लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइक एस ए, ठीक है जी। लाइन ऑफ वर्टिकली मीन्स जिम्मे अपना ए दे विच लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, दिस इज द वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। बी इज हॉरिजोंटल, सी इज ऑल्सो हॉरिजोंटल, डी इज ऑल्सो हॉरिजोंटल, ई horizontal, F is not possible, G not possible, H is both are horizontal and vertically, I both are, J impossible, K horizontal, L impossible, M vertically, N impossible, ठीक है जी। सेम अपा A to Z तक दे ले लेने हैं, vertical lines of symmetry और horizontal line of symmetry। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस द एक्सरसाइज 13.3। सो द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हां जी सेम एज अपन नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। फर्स्ट डायग्राम लेट अस सी, वन टू थ्री एंड फोर, सो फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज ओनली वन, नेक्स्ट इज वन टू, सो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सेम एज द नेक्स्ट डी पार्ट, वन एंड टू, नेक्स्ट इज ओनली वन, नेक्स्ट इज वन टू, ठीक है जी। सो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज सेकेंड, सेकेंड इज कॉपी द फॉलोइंग
drawing on scared paper, complete each one of them such that the resulting figure has two dotted lines as two lines of symmetry. Same as we have discussed the previous exercise 13.1 and 13.2. Same as complete the diagram. First is draw this line. ठीक है जी. So same we will draw the this line. So this is the complete diagram. ठीक है जी. Same B part, C, D, E or F part. ठीक है. Same अपन means given a this line. Same we will draw the one. ठीक है जी. So same to see the नाल complete करनी है जिम्मे अपने को ले diagrams. First second दे विच अपन draw की थी ऐसी. हाँ जी. सो नेक्स्ट इज द थर्ड सम. इन ईच फिगर बिलो अ लेटर ऑफ अल्फाबेट्स इज शोन अलोंग विद द वर्टिकली लाइन. टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन. फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन. विच लेटर्स look the same in the image and which don't. Can you guess why? हाँ जी. जिम्मे उन्होंने अपन नु ए और बी सारे अल्फाबेट्स दे विच अपन दिता है ओ ई एम एन पी एच एल टी एस वी एक्स. ठीक है जी. इस विच चेक करना है अपन कि किदी सेम बनती है जो अपन नु सिमेट्री बना लेने इमेज दे विच. ठीक है जी. उदी सेम रिफ्लेक्शन पैंदी है ते किदी डिफरेंट रिफ्लेक्शन पैंदी है. हाँ जी. जो अपन ओ नु बनाने आ. ठीक है जी. जो आप ओ नू बनाने हैं तो ओ दी ता सेम ही पैनी है. इधर भी ओ दी. सो इट इज ऑलसो सेम. नेक्स्ट इज द ई. ठीक है जी. हाँ जी. आप ई दे विच चेक करिए. देखो ई दा चेंज हो जानी है ई ने अपने कोले. ठीक है. हुण इहदे विच अपने कोले ओपन इधरली साइड आ. जदों आप इहदा इमेज दे विच दी आप देखांगे मिरर दे विच दी देखांगे ते इहने आपां नूं ऑपोजिट हो जाणा. सो इट इज द डिफरेंट आफ्टर रिफ्लैक्शन. हाँ जी. सो एम इज ऑल्सो सेम. हाँ जी. नेक्स्ट इज एन. एन द मीन्स डिफरेंट हो गया. देखो इन अपने को बन गया एन बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई है. सो मीन्स डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन. हाँ जी. नेक्स्ट इज पी. पी भी अपने को ऑपोजिट हो गई है. मीन्स पी इज ऑल्सो डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन. एच एच सेम रहनी है चाहे अपने उधर ही देख लिए चाहे सैकेंड साइड भी देख लिए. दोनों साइड अपने को सेम रिफ्लैक्शन होनी है अपने को. हाँ जी. एल एल भी अपने को चेंज हो जानी है. सो नेक्स्ट इज हाँ जी टी. टी सेम. एस इज एस ऑलसो डिफरेंट हो जानी है. ठीक है. मीन्स जो आप इमेज मिरर के विच दी देखते हैं तुसी चेक करके देखना एक प्रैक्टिकल बेस से बना के देखना कि एस नू जो आप मिरर के सामने रखांगे. ठीक है जी. तो तुहानू जिहड़ी उहदी रिफलैक्शन है वह की पवेगी ऑपोजिट. एंड वी दी सेम पवेगी. ठीक है जी. सेम एज द एक्स. एक्स इज ऑलसो